अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके अपने चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई मोटाई सख्ती और ताकत के लिए है ऐसे तमाम तर अफराज जिनके उजुअ खास में ताकत नहीं रही जिनका वजुअ खास बिल्कुल ढीला हो गया है उजुअ खास में रगें जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं रगें बेजान हो गई हैं पट्ठे बहुत कमज़ोर हो गए हैं तो ऐसे तमाम तर अफरा तो ऐसे तमाम तरह अफराज इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने रॉड को लंबा मोटा और सख्त कर सकते हैं इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है ये तमाम तर चीज़ें इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं इनके रिज़ल्ट बहुत आला है नुस्खे की तैयारी <उस्वे>। में सबसे पहले हमें चाहिए होगा पिपली जिसे मगह कहते हैं मग्घा हमें चाहिए दो तोला अकड़क हमें चाहिए होगा दो तोला ख़रा हमें चाहिए दो तोला जोंक हमें चाहिए दो तोला मालकंगनी हमें चाहिए होगी दो तोला और इसके साथ लौंग का हमने इसमें इस्तेमाल करना है एक तोला और जैतून का तेल पचास ग्राम और पचास ग्राम ही हमें चाहिए होगा तिलों का तेल हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग सफ़ूफ बना लेना है सफ़ूफ बनाने के बाद हमने इस तमाम चीज़ों को जो है दोनों तेलों में पचास ग्राम रोगन तिल और पचास ग्राम रोगन जैतून में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और कम अज़ कम भी हमने इसे चार घंटे तक खरल करना है चार घंटे अच्छी तरह ख़रल करने के बाद तब ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएंगी इन तमाम चीज़ों का असर जो है वो इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएगा उसके बाद हमने इस तमाम मरक्ब को जो है वो कढ़ाई में डालना है कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे पकने के लिए रखेंगे और इसे हमने सिर्फ़ एक घंटा हल्की आँच पर पकाना है हल्की आँच पर पकाएं एक घंटे तक और साथ खड़े मुतवार इसको ज़रूर हिलाते रहें जब ये तेल बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए चूल्हे की आग को बंद कर दें और इस तेल को एज़ इट इज़ छानना नहीं है आपने इसे एज इट इज़ आप इसे ठीक है महफूज कर लें क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों की पिसाई बहुत अच्छी की हुई होगी तो ये मलहम्स की सूरत में ये चीज़ें आपके लिए पास आ जाएंगी ठीक है पिसाई पे ज़रा तवज्जो दीजिएगा पिसाई, पिसाई जितनी अच्छी करेंगे इसको बिल्कुल मिसले मेदा मिसले सुरमा सफूफ़ बनाए तमाम चीज़ों का ठीक है तो कोई रडक पैदा नहीं होगी रोज़ाना इस तेल का इस्तेमाल करें उज्व खास की तमाम खराबियों को दूर करता है उजोखास्त को लंबा मोटा और सख्त करता है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज।